क्या जुड़ा होगा आपका हलोजन वाला एटम जुड़ा होगा ठीक है और ये लास्ट रिएक्शन है इस जो ये लेक्चर है उस लेक्चर के बाद हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हलो अरेंस मतलब यहाँ पर ये अल्काइल जो चेन है चेन की जगह यहाँ पे रिंग लग जाएगी एरोमेटिक रिंग ठीक है तो ये लास्ट इसका पार्ट है ये सिक्स नंबर पर आपके पास नाओ इस ये रिएक्शन जो है स्वार्ट्स रिएक्शन और जो फिंकल रिएक्शन है इसमें क्या है इसमें एक जैसा ही प्रोसेस होता है वो क्या है ये दोनों आती है अंडर द अंडर द कैटेगरी हलोजन एक्सचेंज रिएक्शन मतलब इन दोनों रिएक्शंस में एक ही चीज होने वाली है क्या हलोजन का एक्सचेंज होना है ठीक है वो हम देखते कैसे अब देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली नेम रिएक्शन है और ऑर्गेनिक की शायद पहले जो आपका ये पहला चैप्टर है उसकी पहली रिएक्शन ये आती है फिर दिन आती है स्वर्ट्स रिएक्शन तो साथ साइड बाय साइड आप नोट भी राउंड करते जाओ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? नाउ पर्टिकुलर एल्काइल हेलाइट्स कैन बी प्रिपेयर बाय दिस हलोजन एक्सचेंज रिएक्शन अब ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड सॉर्ट्स रिएक्शन से हमें एक पर्टिकुलर एल्काइल हेलाइट मिलता है मतलब हमें फिंकलस्टीन रिएक्शन में अल्काइल आयोडाइड मिलता है ठीक है सॉर्ट्स रिएक्शन से हमें एल्काइल फ्लोराइड मिलता है ऐसे भी याद रखो फिंकलस्टीन जो रिएक्शन है उसके नेम में क्या आ रहे हैं आई जो है आई बार बार आर देखने को आपको मिल रहा है ठीक है फिंकर स्टिन रिएक्शन दैट मीन्स ये क्या है इसमें आर आई आर आई की प्रिपरेशन का मेथड है और जो स्वर्ट्स रिएक्शन है उससे हमें क्या मिलता है उससे हमें आर एफ मिलता है स्वर्ट्स रिएक्शन से ओके नाउ कमिंग टू द फिंकर स्टिन रिएक्शन फिंकल स्टिन रिएक्शन होती क्या है देखो फिंगर स्टिन रिएक्शन में क्या होता है कोई भी आपका जो पहले एल्काइल हलाइड है सबसे पहले हम क्या लेके दिस इज द एल्काइल हलाइट ठीक है आपका जो अल्काइल हलाइड होगा और यहाँ पर एक्स क्या है दैट टू तो बी नोटेड जो यहाँ पर एक्स है वेयर एक्स इज़ क्या क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा ठीक है इन दोनों के सिवाय और कुछ नहीं होगा ठीक है जो यहाँ पर आपके एल्काइल हलाइट है और एल्काइल हलाइट पे कौन से क्लोरीन एक्स की जगह क्लोरीन लिखा है या फिर ब्रोमीन लिखा है उसकी रिएक्शन क्या होगी उसकी रिएक्शन होगी एन ए आई से एन ए आई से उसकी रिएक्शन होगी या आप के के आई भी इसकी जगह यूज़ होता है पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एन आई ही देखने को एन ए आई ही देखने को मिलेगा ओके तो नाउ एन ए आ गया आपके पास और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद आपका यहाँ पर आता है ड्राई एसीटोन ड्राई एसिटोन आता है आपका ठीक है दिस इज द ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आगे पढ़ेंगे क्यों फिंगल स्टिन रिएक्शन में ड्राई एसीटोन और आई आई आपको पता है फिंगल स्टिन रिएक्शन में आई दो बार आ रहा है दैट मीन्स आपकी ये प्रिपरेशन किसकी होगी प्रिपरेशन आप लिखोगे प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ आर आई आर आई इसका मतलब क्या है एल्काइल एल्काइल हलाइड ओके एल्काइल हलाइट की प्रिपरेशन हमने करनी है और फिंगर स्टिन रिएक्शन हमेशा याद रखना कि फिंगल चेन रिएक्शन पर्टिकुलरली एल्काइल हलाइड मतलब आर आई आपको देता है क्योंकि आई आई इसमें है ओके नाउ ड्राई एसिडोन की प्रेजेंस पे हमने ये रिएक्ट करा और देखो अब क्या हुआ बिकॉज यहाँ पर हमने कहा था दिस इज द हलोजन एक्सचेंज रिएक्शन मतलब जो हलोजन है उसका एक्सचेंज होगा हलोजन यहाँ पर क्या है आयोडीन है यहाँ पर यहाँ पर हमारा एक्स है एक्स मतलब क्लोरिन या ब्रोमिन कुछ भी हो सकता है अब एक्सचेंज कैसे करना है कि जहाँ पर आई है उसकी जगह एक्स लगा दो एक्स की जगह आई लगा दो हलोजन की पोजीशन को आपने चेंज करना है नाउ आर एक्स की जगह आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास आर आई आएगा जो आपको चाहिए प्लस साथ ही साथ आपके पास क्या मिलेगा एन ए और एक्स आपके पास मिला एन ए एंड एक्स और एक और चीज़ और एन ए एक्स यहाँ पर क्या होता है यहाँ पे ये यह प्रेसिपिटेट होता है आप लिख सकते हो यहाँ पे ये पी पी टी की फॉर्म में होता है ठीक है इसको अभी डिस्कस करते हैं बट द मेन थिंग हमें यहाँ क्या मिला हमें यहाँ मिला एल्काइल एल्काइल आयोडाइड ठीक है आपको यहाँ एल्काइल आयोडाइड मिला है ठीक है यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड मिला है साथ ही साथ ऐसे एनएक्स एन ए एक, एन एक्स के प्रेसिपिटेट्स भी यहाँ पर बने हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल ये है कि सपोज यहाँ पर सी एच थ्री है ठीक है अल्काइल की जगह सी एच थ्री लगा लो एक्स की जगह मतलब हमने क्लोरीन ले लिया तो प्लस उसकी जब रिएक्शन एन ए आई के साथ होती है और किसके प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन ठीक है ड्राई ऐसे टोन की प्रेजेंस पे अगर होती है तो आपको क्या मिलता है यहाँ से एक्सचेंज करना है हमेशा रिएक्शन आपको पता होना चाहिए ये रिएक्शन है और एक्सचेंज हो जाएगा देन यू विल गेट सी एच थ्री और आई इधर को आ जाएगा सी एच थ्री आए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा एन ए सी एल एन ए सी एल देखो वैसे एन ए सी एल अगर वाटर में होता तो यहाँ प्रेसिपिटेट नहीं बनाता बट ये किसकी प्रेजेंस में है जो पूरा आपका मिक्सचर है उसमें आपका ड्राई एसिटोन भी है तो ड्राई एसिटोन की प्रेजेंस में जो ये एन ए एक्स है चाहे एन ए सी एल है चाहे एन ए बी आर है हमेशा याद रखना वो आपके पीपीटीज बना देता है ठीक है प्रेसिपिटेट बना देता है और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर सेम चीज़ वही हो जाएगी एल्काइल एल्काइल आयोडाइड मिथाइल आयोडाइड पर्टिकुलरली ठीक है ये बन जाएगा आपका ओके तो यहाँ पर इस तरह से ये रिएक्शन होती है दिस वाज़ द फिंकल रिएक्शन तो वही यहाँ पर लिखा गया है इन फिंकल्टीन रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड्स और एल्काइल ब्रोमाइड्स मतलब क्लोराइड भी हो सकता है ब्रोमाइड भी हो सकता है बस इसके सिवा और बाकी नहीं होगे ओके रिएक्ट विद एन और के और ये किसके साथ रिएक्ट करे एन वैसे मोस्टली एन गिवन होता है बट के भी यहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है आपके पास ओके okay? इसके प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है इन ड्राई एसिटोन और आपके पास क्या है ड्राई एसिटोन आपने ले रखा है ठीक है इसका भी बहुत बड़ा रोल है अभी पढ़ते हैं विच विल रिजल्ट इन हलोजन एक्सचेंज हलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगा एंड वी विल गेट एल्काइल आयोडाइड हमें क्या मिला एल्काइल आयोडाइड मिला फिंगर रिएक्शन में और यहाँ पर लिखा गया है इट इज़ एन एक्सक्लूसिव मैथड टू प्रिपेयर एलकाइल आयोडाइड बिल्कुल पर्टिकुलरली अल्काल आयोडाइड बनाने का ये मेथड होता है ओके तो फिर से हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आप ब्रोमीन के साथ देख देखते हैं ठीक है C2H5Br हमने ले लिया ठीक है और ये क्या है मीथ ईथ इथाइल ब्रोमाइड हमने ले लिया और अगर उसके रिएक्शन सपोज आपकी एन के साथ करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ सॉरी ड्राई एसीटोन ठीक है ड्राई एसिटोन की प्रेजेंस में करवा रहे हो तो क्या हो जाएगा ब्रोमीन की जगह आयोडीन लग जाएगा तो आपको मिलेगा सी टू एच फाइव सिर्फ हलोजन का आपने एक्सचेंज कर देना है ठीक है यहाँ पर आपके पास आई मिल रहा है प्लस यहाँ पर आपके पास एन ए बी आर मिल रहा है जो कि आपकी किस में है प्रसिपिटेट फॉर्म में है मतलब क्या है ये आपको पी पी टी मिल रहा है ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस करा जो एन ए बी आर एन ए आपके पास एन ए बी आर और एन ए सी एल है वो एसिटोन की प्रेजेंस में आपको पीटीपी पी पी टी देते हैं ओके और यहाँ पे फिर से आपके पास जो इथाइल आयोडाइड आपके पास मिल जाएगा क्या मिलेगा आपको इथाइल आयोडाइड आपके पास मिल जाएगा ये थी आपकी रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है तो हमने ज़्यादा बॉडर नहीं करना उस चीज़ को नाउ इंपॉर्टेंट थिंग्स अब स्टार्ट होती है इसके बारे में देखो क्या हो रहा है इस एसिटोन का क्या रोल है और किस तरह से ये रिएक्शन हो रही पी पी क्यों बना रही है ठीक है नोट एन ए सी एल एंड एन ए बी आर फॉर्म्ड विल बी प्रेसिपिटेटेड वैसे आपने देखा होगा जब एन ए सी एल होता है हम तो बोलते हैं एन ए सी एल हमेशा आई करवा देता है सोल्यूबल होता है बट वो वाटर में करते थे हम बट यहाँ पर अब बात हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोन तो याद रखना एन ए सी एल जो एन ए बी आर होते हैं जो बनते हैं आपके पास वो हमेशा प्रेसिपिटेट बनेंगे क्यों बिकॉज देर इज़ द प्रजेंस ऑफ एसिटोन इन द मिक्सचर एंड प्रेसिपटेट्स कैन बी रिमूव्ड सो और क्या होगा सबसे मेन बात तो है ये प्रेसिपेट बन रहे हैं और बनने का क्या फ़ायदा है कि हम इसे टाइम टू टाइम बाहर निकाल सकते हैं देखो इस तरह से इस चीज़ को समझो इसमें क्या होता है सपोज आपके पास ये रिएक्शन थी सी एच थ्री सी एच थ्री बी आर प्लस एन ए आई ठीक है गिव्स टू और ये यहाँ पर क्या है ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में आपके पास बना सी एच थ्री आई प्लस आपके पास मिला एन ए बी आर ठीक है और ये प्रेसिपिटेट आप बोल रहे हो अब होता क्या है देखो ये प्रेसिपिटेट तो बना दिया इसने अब क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द ली चार्टर प्रिंसिपल ये क्या होगा हम क्या करेंगे जैसे जैसे ये पीपीटी ध्यान से सुना जैसे जैसे ये पीपीटीज बन जाएंगे हम इसे साइड बाय साइड हम इन्हें रिमूव कर रहे होंगे ठीक है जो पीपीटी क्या होता है जो सेटल हो जाते हैं नीचे सॉलिड सॉलिड से जो रेजिड्यू बन जाता है उन्हें कहते हैं पी ठीक है प्रेसिपिटेट्स ठीक है शॉर्ट फॉर्म है पी लिखा है तो यहाँ पर जैसे ऐसो नैज यहाँ पर प्रेसिपिटेट्स बनेंगे हम उससे मिक्सचर से क्या करेंगे हम रिमूव निकालते जाएंगे अब इस प्रेसिपिटेट को निकालने से क्या होगा ध्यान से देखना इसको निकालने से क्या होगा जो ली चैटलियर का प्रिंसिपल बोलता है वो क्या बोलता है ली चैटलियर का प्रिंसिपल कि हमेशा जो भी आप एक्शन कर रहे हो लेमन टर्म में मैं बताती हूँ वैसे ये पूरा डिटेल्ड एक टॉपिक है ली प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब भी हम किसी सिस्टम में ठीक है हम किसी सिस्टम में अगर कोई चेंज लाते हैं ठीक है चेंज लाते हैं तो क्या होता है कि जो रिएक्शन है या फिर जो इक्विलिब्रियम है मेनली इक्विलिब्रियम के लिए जो इक्विलिब्रियम है या रिएक्शन है वो उस साइड को उस साइड को शिफ्ट हो जाती है राइट साइड को या लेफ़्ट साइड को सो so दैट जो आपने चेंज लाया है उसको वो नलीफ़ाई कर सके उसके इफ़ेक्ट को अब समझ नहीं आया होगा प्रैक्टिकली समझाते देखो हमने क्या किया हमने ये जो एन या एन के जो प्रे, प्रेसिपिटेट्स थे वो बाहर निकाल दिए ठीक है थीके? अब रिएक्शन में क्या हो रहा है रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ा कि जो प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होने लगी वो कम होने लगी ऑब्वियसली कम होने लगी कि क्योंकि प्रेसिप जो प्रोडक्ट है वो कौन से है एक सी एच थ्री आई है दूसरा आपके पास ये वाला है जब हम ऐज सोन एज हम प्रेसिपिटेट बाहर निकाल रहे हैं तो उस टाइम पर क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रही है तो ली एटलेट प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो भी चेंज कर रहे हो सिस्टम में ठीक है चेंज बेशक कर लो पर जो आपकी रिएक्शन या इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा सो दैट जो आपने ये चेंज किया है वो नलीफाई हो जाए मतलब उस चेंज का आपको हर जाना भुगतना पड़े एक तरह से ये सोचो कि उस जो वो चेंज है उसका पता ही ना चले उस चेंज की भरपाई करने के लिए रिएक्शन अपने आप को उस डायरेक्शन में मोड़ देती है जैसे कि क्या होगा यहाँ से आपने निकाला प्रोडक्ट कम हो रहा है अब इस रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू द ली चर्टली प्रिंसिपल रिएक्शन को ये लग रहा है कि भाई प्रोडक्ट तो अब कम हो रहा है तो आप मुझे बताओ रिएक्शन आगे को जाएगी या रिएक्शन पीछे को जाएगी ऑब्वियसली रिएक्शन आगे मतलब प्रोडक्ट वाली साइड जाना पसंद करेगी सो so दैट अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने क्योंकि हमने प्रोडक्ट निकाल दिए हैं तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए अब रिएक्शन क्या प्रोसीड करेगी रिएक्शन आगे जाने की कोशिश करेगी तभी ये क्या है ली एटलि प्रिंसिपल ने ये बताया कि जैसे जैसे रिमूव और देखो रिमूव भी हम क्यों कर रहे हैं रिमूव भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है तो अकॉर्डिंग टू द ली एटलेव प्रिंसिपल जो रिएक्शन है पीपीटी के निकलने पे जो रिएक्शन है वो आगे को प्रोडक्ट की साइड ज़्यादा तेजी से आएगी तो हमें भी वही चाहिए क्योंकि हमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट प्रोडक्ट है वो कैसे मिल रहा है जब रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ और ज़्यादा जाएगी मतलब पीछे नहीं जानी चाहिए आगे जानी चाहिए तो यही ट्रिक ये एक ट्रिक होती है इनकी जैसे पीपीटीज होते हैं फिर ये निकाल देते हैं सो दैट रिएक्शन और ज़्यादा आगे और ज़्यादा आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए और इसके पीछे जो प्रिंसिपल था वो मैंने आपको समझा दिया वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल क्योंकि जो भी चेंज लाओगे सिस्टम में जैसे रिएक्शन में ये चेंज ला रहे हो तो ली एटलेर वो बोलता है कि उस चेंज को नलीफाई करने के लिए रिएक्शन उस तरफ को मुड़ जाती है ओके होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा बस इसमें यही है कि, कि ये क्या हो रहा है आपने देखा कि एन ए सी एल एन ए बी आर वैसे फॉर्म नहीं करते प्रेसिपिटेट, बट एस के साथ दे विल प्रेसिपिटेट आउट एंड प्रेसिपिटेट्स कैन बी रिमूव्ड सो अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल इफ़ प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड इज रिमूव्ड ठीक है देन रिएक्शन विल प्रोसीड ऑन द प्रोडक्ट साइड मतलब राइट हैंड साइड वो रिएक्शन और प्रोसीड कर जाएगी क्योंकि आपने पी को बाहर निकाल दिया है क्यों टू कंपनसेट द चेंज जो कि आपने चेंज लाया है सिस्टम में उसको कंपनसेट करने के लिए ठीक है सो इट फैसिलिटेट द फॉरवर्ड रिएक्शन तो इसका मतलब जो हम ये प्रेसिपिटेट को निकाल रहे हैं उसकी वजह से हमें ही फ़ायदा हो रहा है कि रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ठीक है ठीके? अब एक और बात हमने ये बोला कि जो एन है और एन है वो हम बार बार ये बात कर रहे हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ एसटोन प्रेसिपिटेट्स बना रहे पीपीटी बना रहे ठीक है ऐसा क्यों होता है कि NaBr एसीटोन uh, के साथ प्रेसिपिटेट बना रहा है बट आपने शायद यहाँ पर ख्याल नहीं करा होगा यहाँ पर भी तो एन है और वो भी रिएक्शन मिक्सचर एसीटोन के साथ ही है क्योंकि ये सारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो इसी के पहले एसीटोन के साथ बने फिर जो रिएक्शन है उसने प्रोडक्ट बनाए मतलब ये एन जो है वो भी तो एसीटोन के साथ इन्वॉल्व है तो ये क्यों नहीं प्रेसिपिटेट बना रहा है यहाँ पर ऑन द अदर हैंड एन जो बी है एन है या फिर एन है वो दोनों प्रेसिपिटेट्स बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोन बट हमने देखा भाई जो एन आई है वो तो प्रेसिपिटेट बना ही नहीं रहा वो तो मस्त अपना क्या करेगा कि इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से आयंस वैसे होता क्या है ये आयंस के फॉर्म में टूट जाता है तो आई नेगेटिव जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देता है ठीक है अब वो पढ़ते हैं हम ऐसा क्यों होता है देखो तो इस पर यह क्वेश्चन है वाई एन ए सी एल एन ए बी आर फॉर्म्स प्रेसिपिटेट विद एसीटोन ये बनाएगी प्रेसिपिटेट विद एसीटोन बट एन ए आई डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विद एसेटोन ऐसा क्यों है तो एन ए एन ए ही ठीक है सिर्फ यहाँ पे सी एल है बी आर है और यहाँ पे आई है तो इसका आपको आंसर आता है अकॉर्डिंग टू द फर्जन रूल तो मैं पहले यहाँ पे समझाती हूँ रीड करने से पहले देखो क्या हो रहा है कि जो आपका देखो ध्यान से देखना एसेटोन क्या है आपका एसेटोन देखा जाए तो बताओ आयनिक है या फिर कोविलेंट है दिस इज अ कोविलेंट कंपाउंड जो कि कैसे बना है शेयरिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है जो ठीक है एसेटोन क्या होता है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ये है आपका कोविलेंट ठीक है अब क्या होगा कि अगर इसको कोई चीज़ डिज़ोल्व करनी है ठीक है अगर इसमें कोई चीज़ मान लो ये सॉल्वेंट ये आपके पास एसिटोन है इसमें कोई चीज़ अगर डिज़ोल्व कर रही है तो उस चीज़ को भी इसी की तरह होना चाहिए मतलब आपने पढ़ा होगा सॉल्युबिलिटी में कि लाइक डिज़ोल्व लाइक डिज़ोल्व लाइक मतलब लाइक like, लाइक like, क्या करते हैं एक तरह के जो स्पीशीज़ होती है वो आपस में डिज़ोल्व करते हैं जैसे कि क्या हो गया कि वाटर में आपका एन डिसॉल्व करेगा क्योंकि दोनों आयनिक है ठीक है और जैसे कि वाटर एंड ऑयल आपका डिसॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि वो क्या है वो एक तरह के नहीं है तो मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक तो एसीटोन में किसी चीज़ को अगर डिसॉल्व करना है तो एसीटोन आपका कोवेलेंट है तो उसका भी कोवेलेंट होना ज़रूरी है तो कोवेलेंट का केस हम कैसे देखते हैं फजन रूल से ठीक है इलेवेंथ पे कराया होगा जिसको नहीं पता देखो यहाँ बता देती हूँ फर्जन रूल में क्या बताता है जैसे देखो जो आयनिक कंपाउंड्स है जो कि जिनमें कि क्या है जिनमें आयनिक बॉन्ड है जो आयंस जिनमें कि इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से जो स्पीशीज़ बनी है लाइक एन हो गया एन ए बी आर हो गए इसमें क्या है ये आइनिक स्पीशीज़ बोली जाती है वैसे एन ए आई भी एक तरह से आइनिक स्पीशीज़ ही है ओके बट क्या हो रहा है फजन रूल ये बताता है कि ऑब्वियसली कि सम सॉर्ट ऑफ कोवलेंट करेक्टर तो होता ही होता है चाहे वो आइनिक क्यों ना हो मतलब जो आइनिक कंपाउंड्स है उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट का कोवलेंट करेक्टर होगा तो आपने इसको लिख लिया ऐसे एन ए सी एल एन ए बी आर एंड एन ए आई ओके तो हम देखेंगे इसमें कि अब भाई हमें तो ऐसे टोन के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी देखनी है कि कौन सा सॉल्युबल है कौन सा सॉल्युबल नहीं है और प्रेसिपिटेट बना रहा है तो हमने देखना है इनका कोविलेंट करेक्टर क्योंकि बात अब क्वेश्चन जो है वो इन दिनों पर है तो फजन रूल क्या बताता है कि कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा कब होगा कोवलेंट किसी भी चीज़ का मतलब जो यानिक स्पीशीज है उनका कोविलेंट करेक्टर कब ज़्यादा होगा जब पॉजिटिव मतलब कटाइन का जो साइज़ है वो स्मॉल होना चाहिए और जो अनाइन है नेगेटिव वाला जो आयन होता है दैट मीन्स अनाइन उसका जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए उसका साइज़ लार्ज होना चाहिए मतलब इस तरह से समझो जो पॉजिटिव हो वो जितना छोटा हो उतना अच्छा और जो नेगेटिव चार्ज है अनायन है वो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा ठीक है तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उस केस में कोविलेंट करेक्टर जो होता है स्पीशीज़ का वो ज़्यादा होता है आई बात समझ फजन रूल ये बताता है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से समझ लो कि पॉजिटिव जो आपके पास आयन है जैसे इसमें पॉजिटिव ये है नेगेटिव ये है जो पॉजिटिव आयन है आपके पास उसका साइज कम से कम होना चाहिए जितना कम होगा उतना अच्छा और ये बड़ा है तो जित और भी ज़्यादा बड़ा होगा तो उतना अच्छा तो अमंग दी स्पीशीज़ जो हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें एन एन ए तो आपका सेम सेम है तो पॉजिटिव चार्ज जो है आपके पास पॉजिटिव आयन है वो तो सेम है उसको तो कंपेयर नहीं कर सकते नाउ वी विल कंपेयर द अनाइन हम अनायंस को कंपेयर करेंगे कौन से है सी एल नेगेटिव बी आर निगेटिव एंड आई नेगेटिव तो वैसे आपको पता है डाउन द जब ग्रुप आप जाते हो तो साइज़ इंक्रीज करता है तो मतलब इस तरह से साइज़ है क्लोरीन का इतना है ब्रोमीन का इतना है एंड आयोडीन का इतना है ठीक है इस तरह से ये साइज़ बढ़ रहे हैं तो आपने क्या देखा कि एन में आई का साइज ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया इसका कोवलेंट ये क्या है कोवलेंट ये मोर है कोवलेंट करेक्टर इनका मोर होता है बाकी इन दोनों का क्या है लेस कोवलेंट होता है ये लेस कोवलेंट होते हैं ठीक है ज़्यादा इसका होता है तो हमने देखा भाई इतनी अच्छी चीज़ हमें पता चली कि जो एन है उसमें कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है कोवलेंट जो करैक्टर है वो ज़्यादा है आपका और दूसरी चीज़ जिसमें इसको डिसॉल्व करना था एसीटोन वो भी आपका क्या है वो भी आपका कोवेलेंट है तो इसी वजह से कि लाइक सब्सटेंस डिसॉल्व लाइक मतलब एन अगर एसीटोन में हम डालेंगे तो वो क्या करेगा वो आपका इजीली डिसॉल्व कर देगा इसी वजह से जो एन है वो क्या करता है वो डिज़ोल्व करता है डिज़ोल्व हो जाता है इन किसमें एसीटोन में अगर इन द अदर हैंड जो ये एन ए सी एल एन ए बी आर है वो क्या है उनमें ज़्यादा आयनिक करैक्टर है कोवलेंट नहीं है तो ये क्या है ये डिजोल्व नहीं करेगी ये क्या बनाएंगे अगर उसके साथ आगे तो ये अपना पी पी टी बना देगी प्रेसिपिटेट्स बना देंगे ठीक है तो इसका मतलब एन ए सी एल और जो एन ए बी आर है यही रीजन है कि जब वो एसीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं एसिटोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं वो पीपीटी बनाते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं लाइक एन तभी ये एन ए होता है एसिटोन में और ये दोनों सिर्फ प्रेसिपिटेट बनाते हैं तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए आपको ओके दिस इज इम्पॉर्टेंट नाउ अकॉर्डिंग टू द फैशन रूल आइन स्पीशीज हैज़ कोविलेंट करेक्टर होता है कोविलेंट sort of, समा बहुत तो होता ही होता है एंड कोविलेंट करेक्टर इफ़ द कटाइन इज़ स्मॉलर मतलब अगर कटाइन आपका स्मॉल होगा स्मॉल मतलब यहाँ से देख लो फजन रूल के अकॉर्डिंग आप आपका कटायन क्या होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए और जो अनायन है वो लार्ज होना चाहिए ये लार्ज होना चाहिए और जो आपका पॉजिटिव है मतलब कटाइन है वो आपका स्मॉल होना चाहिए साइज़ में तो कोवलन करैक्टर ज़्यादा होता है ठीक है तो आपने देखा इनको कंपेयर करना था आपने एन एने आपके सेम है सी एल और बी आर एंड आई में आपका आई का क्या है साइज़ ज्यादा है आई नेगेटिव का साइज ज़्यादा है देन दैट ऑफ द अदर आइंस सी एल नेगेटिव बी आर नेगेटिव आई नेगेटिव आई नेगेटिव सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब एन का ये जो कोवलेंट करेक्टर है वो मोर कोवलेंट होगा तो ऑब्वियसली एसीटोन जो है वो एसिटोन uh, क्या है वो भी कोवलेंट है तो दैट मीन्स एन सॉल्युबल होगा एसीटोन में ना हेयर किटाइन जो एन पॉजिटिव है इस सेम ठीक है तो हमने कटाइन आपने कंपेयर नहीं करे आपने अनयन कंपेयर कर दिए एंड अमंग अन जो आई नेगेटिव है इज़ लार्जर देन सी एल नेगेटिव एंड बी आर नेगेटिव जो आई नेगेटिव है वो लार्जर है बी आर नेगेटिव और सी एल नेगेटिव से सो एन ए आई वुड हैव मोर कोविलेंट करेक्टर यहाँ से पता चल गया सिंस बिकॉज एन ए आई का कोविलेंट करेक्टर ज़्यादा है सो so क्या होगा सो एज एस इज कोवलेंट सो लाइक डिजोल्व लाइक ठीक है लाइक एक जैसे डिजोल्व हो जाता है हेंस NaI is soluble in acetone and NaCl, NaBr. फॉर्म्स प्रेसिपिटेट विद एसिटोन यही रीजन है कि वो प्रेसिपिटेट क्यों बनाता है ओके okay? सो so, एक और पॉइंट है नोट कर लो इन फिंकल स्टिन रिएक्शन देर इज़ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखो बोर्ड्स में तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा ये छोटी सी चीज़ है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकती है कि जो फिंगल स्टिन रिएक्शन होती है उसमें कॉन्फिग्रेशन की इन्वर्जन होती है उल्टी हो जाती है कॉन्फिग्रेशन कॉन्फिग्रेशन कैसे जैसे मतलब सपोज अगर आपके पास रिएक्टेंट एस कॉन्फिग्रेशन का आर एन एस कॉन्फिगरेशन पड़ी होगी आपने अगर आपके पास रिएक्टन मान लो आर कॉन्फिग्रेशन का है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एस कॉन्फिग्रेशन का मिलेगा ठीक है ये बात याद रख लो आर है तो उसका एस मिलेगा एस है तो उसका आर कॉन्फिग्रेशन मिलेगी ठीक है अब ये देखते हैं ये होता कैसे जल्दी से अब देखो इसमें होता क्या है सपोज़ अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें तो इस तरह का अगर एक एग्ज़ाम्पल है मीथ ईथ प्रो Pro, प्रोपाइल और यहाँ पे लगा हुआ है सपोज़ इस तरह से आपका क्लोरीन अब आपको ये डैश एंड वेज तो पता हो गया अब डैश का क्या मतलब है जैसे आपकी ये फ़ोन की स्क्रीन है या फिर ये ये देख लो ये पेपर है तो जो ये लाइन लिखी होती है ना इसका मतलब होता है कि ये पेपर पर है ठीक है और जो ये डैश लिखा होता है उसका मतलब होता है वो डैश आपसे दूर है मतलब पेपर के बैक साइड है पेपर के अंदर जा रहा है ये क्लोरीन इमेजिन करो ये क्लोरीन जो है ये ऐसे जा रहा है अंदर को पेपर के अंदर को जा रहा है पिछली वाली साइड और अगर वैसे ही वेज होता वेज क्या होता है वेज डैश ऐसे होता है वेज ऐसे होता है वेज का मतलब क्या होता है वो आपकी तरफ आ रहा है डैश का मतलब होता है वो आपसे दूर जा रहा है तो डैश जो है इस पेपर के अंदर जा रहा है इसके पीछे जा रहा है और जो वेज है वो आपकी तरफ यहाँ पर ऊपर आ रहा है इस तरह से आ रहा है आपकी तरफ ठीक है ये प्लेन जो आपका पेपर है उससे ऊपर आ रहा है अब क्या बोलते हैं ये बोला जाता है इन फिंगल स्टिन रिएक्शन जब ये एन के साथ रिएक्ट करेगा वही ड्राई एसटोन के प्रेजेंस में ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ठीक है तो क्या होता है हमने ये देखना है कि जब यहाँ से इधर आपको पता है क्या होगा यहाँ पर अब ध्यान से देखना क्या होगा आई नेगेटिव जो है आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव है क्योंकि एसीटोन जो है एसीटोन में ये एन ए होता है और आयन में टूट सकता है जो ये आई नेगेटिव है वो एज अन न्यूक्लियो फाइल एंड नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है इस जगह पे और जो सी एन नेगेटिव है वो निकल जाता है क्योंकि एक्सचेंज है एक्सचेंज है ना सी नेगेटिव निकला और आय आ गया बट ये तो हम करते आ रहे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है इम्पॉटेंट है इसका प्रोडक्ट तो ये चीज़ तो सेम रहेगी आपको अब आय तो लगाना है इतना तो आपको पता है बट आय अब कैसे लगेगा वही मैंने आपको बताया फिंकल स्टिन रिएक्शन में इन्वर्जन हो जाती है कॉन्फिग्रेशन की अगर यहाँ पे डैश लग रहा है तो यहाँ पर जो नई चीज़ बनेगी वो वेज में बनेगी ठीक है और वो वेज में क्या बनेगी आई अब ऐसा क्यों होता है देखो जब ये वाली चीज़ थी हमारे पास आई नेगेटिव जब अप्रोच कर रहा है इसको कि भाई मैं बॉन्ड बनाऊँ अटैक तो मेरे को करना है कहीं कही ना कहीं से तो यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि जो ये क्लोरीन है वो क्लोरीन क्या है कि अंदर को है ये ठीक है मतलब बैक साइड से है बैक साइड से क्लोरीन लगा हुआ है तो इसने सोचा मैं कहाँ से मैं कहाँ से फ्रॉम टॉप फ्रॉम टॉप मैं यहाँ से इसको अटैक कर देता हूँ टॉप पोजिशन में क्योंकि टॉप पोजिशन खाली है नहीं तो आपका नेगेटिव ये भी नेगेटिवली चार्ज है ये भी नेगेटिव है तो नहीं तो यहाँ पर रिपल्शन हो जानी थी क्राउड हो जाना था तो इसने क्या सोचा कि डैश वाली पोजिशन जो बैकवर्ड साइड की पोजिशन है उस पर तो पहले से ही क्लोरिन है तो मैंने जब अटैक करना है भाई मैं ऐसे करता हूँ मैं उसके ऑपोजिट अटैक कर देता हूँ ठीक है तो ये पीछे था तो इसने कहाँ से आगे से अटैक कर दिया मतलब ऊपर से अटैक कर दिया तभी जब ये लगा तो आपको ये वेज दिखाना होता है और अगर ऐसे भी आपको नहीं आ रहा है और साथ में देखो क्या बनेगा साथ में बनेगा आपके पास एन ए सी एल जो कि प्रेसिपिटेट बना देगा अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा आप ये याद रखो कि जब भी फिंगर रिएक्शन इस तरह से आएगी जब ये डैश वेज या फिर इसकी आर कॉन्फिग्रेशन है तो इसकी ऐसे हो जाएगी अगर इसकी एस है तो इसकी आर हो जाएगी ठीक है तो इसका मतलब अगर डैश दिया है तो नया प्रोडक्ट जो बनेगा वो वेज में बनेगा अगर यहाँ पे सपोज वेज दिया होता तो नया प्रोडक्ट आप किस में बनाते आप उसमें डैश में बना देते ठीक है तो इसका मतलब यही है कि आपका और सपोज यहाँ पे यहाँ पे देख लो सपोज ऐसा है सपोज यहाँ पे फिर से मैंने वेज बना दी और ये ब्रोमीन है प्लस इसकी आपने एन की प्रेजेंस पे रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसिटोन ठीक है ड्राई एसिटोन के प्रेजेंस पे करवानी है एंड दिस इज द एन ए पॉजिटिव एंड आई नेगेटिव नाउ व्हाट हैपेंस जो आई नेगेटिव है वो क्या करेगा वो ऑब्वियसली अटैक करेगा बार बार हमें नहीं बताना क्योंकि ज़्यादा मकैनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है बस आपने ये याद कर लिया कि जो फिंगल स्टिन रिएक्शन है उसमें कॉन्फिग्रेशन में चेंज आता है तो आप क्या करोगे जो ये आई लगना था ऑब्वियसली आय तो लगना था वो किस में लगेगा आप वो लगेगा यहाँ पर डैश में ठीक है और विद द विद द फॉर्मेशन ऑफ एन ए एन ए बी आर ओके प्रेसिपिटेट ये बना देगा तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्जन होती है कॉन्फिग्रेशन की जब इस तरह की चीज़ें होती है अब हम एक और थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है आर दीज रियाक्शन्स पॉसिबल ये रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन ओके अब इसमें क्या हो रहा है देखो अब क्या किया हमने सिनेरियो हमने उल्टा कर दिया जो एल जो फिंगरस्टीन रिएक्शन थी उसमें क्या होता था एन ए आर uh, आपका सी एल और आर आपका बी आर के साथ रिएक्शन किसके करवाते थे एन ए आई के करवाते थे ओके मतलब क्या होता था देख लो ऐसी रिएक्शन होती थी आपकी सी एच थ्री बी आर या फिर क्लोरीन होगा एन के साथ सारे रिएक्शन करवा देते थे ठीक है ऐसे टोन के प्रेजेंस में बट ऐसे भी तो आ सकता है पेपर में कंप्लीट द रिएक्शन या फिर आपका दिमाग ही ऐसा सोच रहा हो कि ऐसे भी तो हो सकता था कि अगर हम इनको स्विच कर दें इनके बीच की रिएक्शन इस तरह से कर दें तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है तो इसका आंसर है नो no. Reaction इज़ नॉट पॉसिबल नो reaction, नो no reaction. अब देखो ऐसा क्यों होता है ध्यान से देखना मैंने आपको कहा था कि जब एसिटोन एसिटोन के साथ जब ये एन और एन आते हैं तो ये क्या बनाते हैं ये बनाते हैं आपके प्रेसिपिटेट्स ठीक है हमने करा था सिर्फ हमने क्या चीज़ करी थी सिर्फ एन है जो कि सॉल्यूबल होता है क्योंकि इसमें कोवलेंट करेक्टर होता है बाकी ये दोनों होते हैं ये प्रेसिपिटेट्स बना रहे थे आपने देखा ऐसे टोन के साथ तो यहाँ पर भी ऐसे टोन हैं इनके साथ तो एन और एन भाई पहले ही प्रे, प्रे, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ गए जैसे ही मिक्स किया इसको और इसको और इसको मिक्स किया तीनों को तो पहले ही ये किस फॉर्म में आ गए प्रेसिपिटेट में आ गए भाई तो जब पहले ही ये प्रेसिपिटेट में आ गए तो ये बताओ कि ये यहाँ से रिएक्ट कैसे करेंगे क्योंकि रिएक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पे आयंस चाहिए मतलब क्लोरीन नेगेटिव आयन एंड ब्रोमीन नेगेटिव आयन आपको फ्री चाहिए सो दैट वो एज अ न्यूक्लियो फाइल इस पर अटैक कर सके एक्सचेंज रिएक्शन हो पर भाई यहाँ पर पहले ही आपका पी, -पी आ गया है तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो सकती अब यहाँ पर जब एन था वो एसिटोन के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाता क्योंकि वो सेम सेम से वो सॉल्यूबल हो जाता है ठीक है इसलिए आपने क्या कहा कि ये रिएक्शन नहीं होगी ठीक है आप यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हो कि एन ए सी एल एंड जो एन ए बी आर है ठीक है आर सॉल्यूबल इन आर आर नॉट सॉल्यूबल आर नॉट सॉल्यूबल सॉल्यूबल इन एसीटोन ठीक है यही रीजन है एसिटोन में अगर सोल्यूबल नहीं, नहीं है तो आप पी पी टी बनाओगे एंड दे विल फॉर्म एंड दे विल दे शन हैपन्स सो नो रिएक्शन हैपन्स ठीक है तो कोई रिएक्शन होगी ही नहीं क्योंकि पहले ही वही पीपीटी बना दिया ओके अब बात कर लेते हैं हमारी सेकेंड नेम रिएक्शन जो की है स्वर्ट्स रिएक्शन और जैसे आपकी फिंकल रिएक्शन थी वो किसके अंडर आती थी हलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंडर आती थी वही इसमें भी हो रहा है और ध्यान में रखना है कि इसमें ये हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो हेलोअल्किन्स में ओके तो इसमें आपका हलोजन एक्सचेंज होने से एक पर्टिकुलर हलोजन बनेगा और स्वार्ट्स रिएक्शन में हमेशा याद रखना ये एक प्रिपरेशन मेथड है किसका पर्टिकुलरली फॉर द एल्काइल फ़्लोराइड सिर्फ और सिर्फ एल्काइल फ्लोराइड बनेगा इसमें जैसे कि फिंकलस्टीन में बनता था एल्काइल iodide okay in Swartz reaction alkyl chloride ya ja alkyl bromide is heated in the presence of metallic fluoride such as agf, एच ई एच टू एफ टू सी ओ एफ टू एस पी एफ थ्री ये क्या है ये आपके मेटालिक मेटालिक फ्लोराइड क्यों कहा कि मेटल है और साथ में फ्लोरीन लगा हुआ है ठीक है उनके रिएक्शन हो गए अब शॉर्ट्स रिएक्शन देखते हैं शॉर्ट्स रिएक्शन जनरल कैसे आप लिख सकते हो तो रिएक्शन क्या है कि आपका आर एक्स ठीक है आर एक्स वेयर एक्स क्या हो जाएगा अगेन वही चीज़ एक्स हो जाएगा आपका या तो क्लोरीन या तो आपका क्या हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा ठीक है जो आपका आर एक्स है उसकी रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी सपोज़ हम यहाँ पर पहले ये ले, ले लेते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ए जी इस तरह से भी लिख सकते हो आप ए जी एफ़ के साथ रिएक्शन हो रही है या फिर आपकी या फिर आपकी ए जी एच जी सॉरी एच जी टू एफ़ टू के साथ रिएक्शन हो रही है या फिर ठीक है एफ़ टू के साथ रिएक्शन हो रही है या फिर आपका क्या रिएक्शन हो रही है सी ओ एफ़ टू के साथ हो रही है या रिएक्शन आपकी हो रही है एस पी एफ़ थ्री के साथ लिखने का ये मतलब है कि आपकी इन इन चारों चारों में से कोई भी यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है इसके साथ मतलब ए जी एफ़ एंड एच जी टू एफ टू यहाँ पर टू है ये एंड सी ओ एफ़ टू एंड एस पी एफ़ थ्री ठीक है इनके साथ रिएक्शन हो रही है और क्या हो रहा है रिएक्शन करके आपको क्या मिल रहा है हीटिंग कर रहे हैं बेसिकली हम इनको इसके साथ हीट कर रहे हैं वन एट अ टाइम इसकी रिएक्शन जो एल्काइल हलाइड है जिसमें क्लोरीन एंड ब्रोमीन है उसकी रिएक्शन या तो ए के साथ करवाओ या एच जी टू एफ टू के साथ करवाओ या सी ओ एफ टू के साथ करवाओ या एस पी एफ थ्री के साथ ओके okay? इनमें से रिएक्शन करेंगे इनको हीट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा एक्सचेंज ऑब्वियसली दिस इज द हलोजन एक्सचेंज रिएक्शन नाउ एक्सचेंज ऑफ हलोजन हैपन्स तो यू विल गेट आर एक्स की जगह आपके पास आर एफ मिल जाएगा ओके आर एफ मिल गया ठीक है और साथ में क्या हो जाएगा साथ में आपके पास अगर देखो ये डिपेंड करता है बाय प्रोडक्ट आपके पास क्या मिलेगा ठीक है वो चलो अभी हम नहीं लिखते क्योंकि ये सबके अलग अलग बन जाएंगे तो हम यहीं पे लिखते हैं आपको क्या मिला यहाँ पे यू विल गेट एल्काइल यू विल गेट एल्काइल फ्लोराइड फ्लोराइड इन दिस रिएक्शन स्वार्ड्स रिएक्शन ठीक है तो इसका मतलब कभी भी कंप्लीट जो आपका आता है रिएक्शन उसमें इन चारों के चारों में से कुछ भी आ जाए इसके साथ रिएक्शन हो तो आप एल्काइल फ्लोराइड बनाओगे ओके तो इसी के साथ हम एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं इस रिएक्शन को सपोज आपके पास आपने लिया सी एच थ्री सी एच थ्री सी एल ठीक है क्लोरीन आपने ले लिया और उसके रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो आप ए जी एफ़ के साथ करवा रहे हो ठीक है और वो रिएक्शन करवाने पे आपके पास क्या मिला आपको पता है जब हीट कर रहे हो तो आपके पास एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी यू विल गेट सी एच थ्री एफ़ ठीक है प्लस आपके पास अब यहाँ देखो ये यह आपके पास है सी एच थ्री एफ़ और ये क्या बन जाएगा ए जी सी एल ठीक है आपके पास क्या बन जाएगा ए जी सी एल और ये क्या होता है ये आपके पास पी पी टी बनाता है दिस फॉर्म्स द प्रेसिपिटेट देखो वही चीज़ है जो ए जी एफ है वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है हमेशा याद रख लो ए जी सी एल प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं और वैसे ही एक्जाम्पल्स है ये ठीक है और वैसे ही सी एच थ्री जरूरी नहीं है यहाँ पे आपने ये मिथाइल लिया है आप कुछ भी कोई भी आप चेन ले सकते हो तो आपके पास यहाँ पे है सपोज ब्रोमीन तो उसके रिएक्शन भी हम फिर से ए जी एफ़ से करवा रहे हैं ठीक है दिस इज़ द द्ट्स रिएक्शन और आपको क्या मिल रहा है सी एच थ्री के साथ एफ़ लगा हुआ मिल रहा है साथ में आपको ए जी बी आर मिल रहा है एंड अगेन जो ए जी बी आर होता है वो आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और अगेन लाइक द जो फिंगर रिएक्शन में था उसमें भी आप ऐसे कर सकते हो अगर ये प्रेसिपिटेट बन रहा है ना तो आप रिएक्शन को ये प्रेसिपिटेट्स uh, को आप बाहर निकाल सकते हो तो फिर अकॉर्डिंग टू द ली चटलियर रिएक्शन भी आपके आगे को तेजी से बढ़ने लग जाएगी ठीक है तो थर्ड करते हैं अब हम अब हमने मिथाइल के साथ कर रहे थे अब हम इथाइल लेते हैं इथाइल इज सी टू एच फाइव और हमने सपोज़ क्लोरीन ले लिया एंड आपके पास दूसरा क्या है दूसरा सपोज़ आप ले लेते हो एच टू एफ़ टू आप ले रहे हो ठीक है एच जी टू एफ़ टू ले लो और उसके साथ जब आप हीट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा सी टू एच फाइव एंड यहाँ पे फ्लोरीन बन जाएगा एंड यहाँ पर आपका क्या बनेगा एच टू सी एल टू ठीक है एच जी सी एल टू आपका ये प्रेसिपिटेट्स बन जाएगी ठीक है तो लाइक uh, like, इसी तरह से आपकी रिएक्शन हो जाती है और इन रिएक्शंस को कहा जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन अगर इसमें यहाँ पे देख लेना यहाँ पे अगर uh, समझना है एच जी टू एफ टू है ए जी एफ है ठीक है इनके साथ रिएक्शन अगर होती है तो यू विल गेट द एल्काइल फ्लोराइड एंड दिस रिएक्शन इज द स्वार्ट्स रिएक्शन सो थैंक यू सो मच नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हेलो अरेन्स की प्रिपरेशन यहाँ तक प्रिपरेशन ख़त्म हो चुकी है किसकी हेलो एल्केन की अब हेलो अरेन की प्रिपरेशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सो so कमेंट करके जरूर बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा थैंक यू सो मच